टू एक्सोटिक बर्ड्स। दोस्तों इसके पहले एक वीडियो मैंने डाली थी जो कि थे रिजवान भाई के कुछ स्पेशल कबूतर। एक बॉक्स था जो कि उधर वाला था, तो इधर वाला बॉक्स मैंने उस लिए कवर नहीं किया उसमें क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती, कुछ लोगों को इजिली समझ में नहीं आता। तो एक दूसरा जो इनका बॉक्स है उसमें भी इनके कुछ स्पेशल कबूतर है, तो जानते हैं अभी ये अवेश भाई जो कि हमारा एक्सपर्ट है फ्लाइंग पिजन में। तो अवेश भाई तू बता मुझे, अवेश भाई बताएगा तो कुछ छूटे तो ये बता देना। सबसे पहले याला पेयर बता जिसके अभी फिलहाल बच्चे हैं, इसमें क्या खासियत है? दोनों यहाँ पे है कि ये जो नर है, हाँ, ये नर हमारे पास में बहुत ज्यादा उड़ा हुआ है। ये वाला नर बहुत ही ज्यादा उड़ा है बता रहे हैं। इसकी मादी है, ये इसके नाम क्या है नाम? इसकी मादी को दोबाज बोला जाता है, दोबाज हरा बोला जाता है। दोबाज और हरा, हरा नर है और दोबाज फीमेल है जिसके दो बच्चे है फिलहाल अभी। तो ये पेयर हमने बनाया है क्रॉस करने के लिए, वो जो दोबाज नर था इसके पहले वाले वीडियो में, उसकी पट्टी है ये, उसकी पट्टी है। तो हमको इससे क्रॉस करके देखना था कि कुछ बच्चे कैसे निकलते हैं। हाँ, क्या इसके पहले बच्चे निकले क्या? नहीं, ये पहला जो पहली बार हमने इसको क्रॉस किया है। ओके, ये पहली बार इनने क्रॉस किया है, अभी देखते हैं इसके बच्चे कैसे निकलते हैं। रिजल्ट देखना है, रिजल्ट अभी देखना है। एक एक्सपेरिमेंट भी मतलब कर रहे हो आप, ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, हर कोई नहीं करता। तो आंख दिखा देते हैं उसकी। ज्यादा कबूतर को मैं एक्चुअल में डिस्टर्ब इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि सारे के सारे आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें बच्चा है, इसमें बच्चा है, सब में अंडे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। और ये एक इसका पैर है और पंख दिखा दे, वो छोड़ दे उसको बेचारे को, ये पंख है तो वापस रख दे। और आते हैं अभी सेकंड वाले पे, तो रिजवान भाई बताइए थोड़ा। इसमें ये कबूतर है, इसको गुलदार बोला जाता है। गुलदार, दोनों ही गुलदार है। नहीं, एक को धुमा बोला जाता है नागपुर में। हाँ, नागपुर में। ओके, ये आप इसको देखो। हाँ, ये थोड़ा अलग है, ये इसके पंख देखिए। और पंख इसलिए काट के रखे क्योंकि टूर्नामेंट के लिए रेडी। अभी हम इनको धुपकाले में समर सीजन में उड़ाते हैं, तो हाँ वही ना, टूर्नामेंट के लिए मारता है इसके पंजे। ये पंजे अच्छे बड़े है पंजे, आंख दिखा दीजिए, आंख देख लीजिए। ओके, और ये है, ये दोनों को हमने बहुत उड़ाया नर मादी को। अभी इसका एक बच्चा निकाला है हमने, एक ही बच्चा निकला क्या? जी जी, एक ही निकाला है हमने। और अभी जाते हैं, ये सेकंड वाला हो गया। अगर दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और फॉर एग्जांपल रिजवान भी कुछ बेचोगे इसमें से? जी बेचेंगे, अगर किसी को कुछ पसंद आता है। हाँ देखिए, ओके, देखिए ये इनका एक मैं सबसे बेस्ट आइडिया बता देता हूँ क्योंकि आप फोन जब लगाओगे तो रिजवान भाई को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और ये जो है इनकी सेकंड पेटी है और ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, मतलब अपन ऐसा एक दो तीन चार पांच छह तक चल रहे हैं ऐसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और अगर आप वीडियो इनको रिजवान भाई को फोन करते हो तो ये बोलिएगा सेकंड पेटी में थर्ड वाला ब्लॉक या वाला ब्लॉक या वाला पेयर चाहिए आपको, क्योंकि ये पेयर तो यही रहेंगे ना, चेंज तो नहीं होगा। तो ये इनके लिए भी इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा क्योंकि वीडियो में अपन एक अलग अलग पेयर का वीडियो नहीं बना रहे, सारे पेयर का इकट्ठा बना रहे, तो इसलिए इनका इनके लिए भी इजी है और आप सबके लिए भी इजी है। तो ये सेकंड वाला हो गया था, अभी थर्ड वाले पे आते रिजवान भाई। ये घर के ही पट्टे हमने बनाए थे, ये घर के ही पट्टे हैं इनके, सेम है ना? ये हमने इनको अभी उड़ा कर रखा है। उड़ाते हो क्या? जी जी बिल्कुल, ये उड़ाना करंट में चालू है। ओके ओके, और ये हमको अच्छा टाइमिंग लेकर बैठ रहे हैं, चार साढ़े चार घंटा। देख, और ये सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लग रही है क्योंकि ये टाइम इतना कुछ ज्यादा नहीं बता रहे, क्योंकि मैंने वीडियो में कई सारी वीडियो में देखा कोई 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। नहीं नहीं, अभी तो ठंडे का सीजन है ना, तो हम उनको उतना उड़ने ही नहीं देते। ओके, नहीं मैंने वीडियो में ये देखा है कि 10 घंटे 12 घंटे लोग बताते तो एक्चुअल में उड़ते होंगे उतने, और सेम ऐसे ही दिखते होंगे। नहीं नहीं, वो फिर अलग बात है, अलग हो सकता है। इनको उड़ता उड़ने नहीं देते क्योंकि बाज अभी बहुत ज्यादा वार कर रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हम हमारे कबूतर खोल लेते हैं, तो उतनी हाइट पे उड़ने देते हैं, मतलब ज्यादा उड़ने नहीं दे रहे। और दोस्तों ये है फोर्थ वाला, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेना हो तो बताइएगा कौन सा। ये सेकंड मतलब दूसरे नंबर की इनकी दड़बा है और ब्लॉक ऐसा है तो बता रहा हूँ। ये जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है इनका बहुत स्पेशल है, गए ये पिछला जो सीजन गया है धुपका लेकर। ओके, इसमें हमने बाजी में बहुत उड़ाया है, बाजी में जीता क्या? बहुत जीता है ये कबूतर, इसने हमको बहुत साथ दिया उड़ान में। और अभी बोल रहे थे हम बेचोगे नहीं इसके बच्चे, मतलब इसके बच्चे अगर किसी को लगेंगे तो बना के हम देंगे उड़ाने के लिए। ओके, तो इसकी आंख काली आग के है दोनों भी, काली आग का कबूतर है ये, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मेरे को। बाहर के लोग मक्खू बोलते हैं, मखवा मक्खू बोलते हैं, हम इनको यहाँ पे कलंके बोलते हैं, कलंके नागपुर में कलंके जी। और ये इसका पर तो कटे हुए पंख है।
ओके, और ये मेल है और फीमेल अंदर बैठी, फीमेल है उसकी, ये फीमेल थी, मेल है, हाँ मेल वो है और एक बच्चा भी है, एक बच्चा भी है, तो बच्चे भी सेम माँ बाप के जैसे आते हैं, सेम है। ये एक नर है, आँख आँख चल रही है। और अभी ये चौथा नंबर का था, तो दोस्तों अभी पांचवे नंबर पे आते हैं। अगर आपको लेना हो, ये एक बहुत ही खूबसूरत है, मुझे लगता है कई सारे लोग इसको लेना पसंद करेंगे। तो ये कौन सा है रिजवान भाई? इसको तो हम ऐसे कलसरा ही बोलते हैं, वैसे बाहर के लोग कलसरा टाइप के बोलते हैं। ये कबूतर शाहजापुरी क्रॉस में से हुआ है, शाहजापुरी जो ब्रीड होती है उसमें से क्रॉस होकर बना हुआ। ओके, आग दिखा दीजिए आप इसकी, ये आंख है, पर ये पर है दोस्तों। हाँ, कबूतर पीछे बड़े बड़े हैं और ये सब सबके पैरों पे पायल पहनी है मोस्टली, ज्यादातर जो ये सब ब्रीडिंग पे है, मेल है, जो उड़ने वाले होते हैं वो सब ब्रीडिंग पे, और ये फीमेल है। ओके, आंख ठीक। और ये जो है छठवें नंबर का जोड़ा है, ये वाला कौन सा जोड़ा है? ये अभी अभी हमने बाहर से लेकर आया है उड़ाने के लिए। बाहर से मतलब ये बेचने का नहीं है क्या? जी जी नहीं, हमने उड़ाने के लिए लेकर आया। ओके, ये छठवें नंबर का है, ये वाली जो फीमेल है ना? जी, ये फीमेल है हाथ में अभी। हाँ, ये आंख है दोस्तों, और ये नर लगाया है उनने, ये भी अच्छा फ्लाइंग का है क्या? जैसा हमने बाहर से लेकर आए थे वैसा ही रखा हुआ है अभी। जी, ये उड़ा हुआ है। ओके, एक फ्रेंड है उसके पास से लेकर आए थे बाहर से। ओके, बड़ा अच्छा दिख रहा है मेरे को तो। ये है दोस्तों, और अब पंजे, हाँ ये पंजे सब पे पायल पहनी हुई है। और जो अभी जाते हैं अपन सातवें नंबर वाले पे, ये कौन सा है रिजवान भाई? इसको हम नागपुर में जागचीना बोलते हैं। जागचीना जी, तो ये भी ब्रीडिंग प्लेयर है, इसके सिर्फ बच्चे उड़ाते हैं, बच्चे, बहुत पुराना प्लेयर है ये, आप देख सकते हैं इसकी उम्र बहुत ज्यादा है कबूतर की, तकरीबन 15-16 साल उम्र है, 15-16 साल हो गई है। ये दोस्तों इसका पर है, पंजे, और अगर जिसको भी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका रिजवान भाई का नंबर है, वो आप कॉल कर सकते हो। और एक हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, जिनको चाहिए वही ले, और रेट तो मैंने नहीं बताया था, आप कॉल करके रेट इनसे पूछ सकते हो। और ये फीमेल है, ये और ये पंजा है बस। और ये अपना आठवें नंबर का खाना है जिसमें एक पेयर रखा है, ये कौन सा है? इसको दो बार बोला जाता है नागपुर में, और इसके ब्रीडिंग पेयर है, अंडे पे फिलहाल बैठा नहीं, वो अंडे पे बैठा, हमने अंडे ऐसे ही रखे हैं ताकि बार बार ब्रीडिंग ना हो। ओके, वो अंडे हिला के रखे हुए, बच्चे ना निकले। ये कबूतर असल में हमारे इधर बाजू में बहुत उड़ते हैं, इसलिए नहीं उड़े हुए, मतलब ये कबूतर बाजू में बहुत उड़े हुए कबूतर है, और इस साल भी उड़ेगी, मतलब अंडे आपने हिला के रखे तो अंडे ना दे, इसलिए बहुत ही एक यूनिक आइडिया है। जिन लोगों को नहीं हो इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, जो लोगों ने ऐसा नहीं देखा हो। तो ये एक नर है और उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वैसे अंडे खराब ही है उसके, हिला के रख दिए उनने, और हिला के इसलिए रखे क्योंकि ये ब्रीड ना करे, इसको उड़ाने के लिए रखा है। और जो लास्ट वाला है ये इनका फेवरेट है, ये कासनी है, कासनी से आया था ये जोड़ा, एक दोस्त ने गिफ्ट किया था। ओके, ये गिफ्ट का है, इसका मतलब ये बेचने का नहीं है? नहीं नहीं, ये गिफ्ट है तो इसे तो इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गिफ्ट है तो ऑलरेडी इसे ठीक है। तो ये एक है अच्छा खासा, और ये जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया है, ये खाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो जिसको भी लेना हो नंबर बताइए, और सेकंड नंबर की खुली है तो उसमें सबसे बेस्ट होगा। और शॉर्ट तो जैसे दोस्तों आप सबको समझ में आ जाएगा, और मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, ये सेकंड खाने का जो पिंजरा है, सेकंड मतलब सेकंड जो ब्लॉक है इनका, दड़बा हमारे तरफ बोल